Today we will discuss about one-way analysis of variance one way ANOVA. In the previous classes, we have discussed about the application of three statistical techniques. हम चर्चा कर चुके हैं तीन विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के बारे में. First, we have discussed about independent t-test. सबसे पहले हमने बात की थी स्वतंत्र t परीक्षण की. Second, we have discussed about dependent t-test. उसके बाद दूसरी हमने बात की थी आश्रित टी परीक्षण की. थर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन सैंपल टी टेस्ट और तीसरी बात की गई थी वन सैंपल टी टेस्ट की. इन द सीक्वेंस इसी क्रम में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन वे एनोवा. आज हम बात करेंगे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन फोर डिफरेंट पार्ट्स. इस टॉपिक को चार विभिन्न भागों में विभाजित करके इसकी चर्चा करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग. सबसे पहले बात करेंगे अर्थ की कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का अर्थ क्या है. इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एन एग्जांपल. वी विल डिस्कस अबाउट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. एक उदाहरण लेकर चलेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे. इन द थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन. तीसरे भाग में गणना की बात करेंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण लेकर कैलकुलेशन करेंगे, उसकी गणना करेंगे. एंड द लास्ट फोर्थ पार्ट और चौथे भाग में वी विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन्स की हाउ टू टेक कंक्लूजन्स, हाउ टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, की गणना के आधार पर निर्णय कैसे लिया जाए, निष्कर्ष कैसे निकाला जाए. तो पहले भाग से शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज मीनिंग, द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. वी विल डिस्कस अबाउट वन वे एनोवा, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज आल्सो नोन एज सिंपल एनोवा. इसका दूसरा नाम भी है, इसको सिंपल एनोवा के नाम से भी जाना जाता है, इसको सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से भी जाना जाता है. वन वे एनोवा, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन्स ऑफ मोर देन टू सैंपल्स. वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग दो से अधिक समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करना होता है. यदि हमारे पास दो से अधिक समूह है किसी भी चर को लेकर, बाय टेकिंग एनी वेरिएबल इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर दीज ग्रुप्स वी हैव टू अप्लाई वन वे एनोवा. यदि हमारे पास दो से अधिक समूह है, यदि किसी भी वेरिएबल किसी भी चर को लेकर इन समूहों की तुलना करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त टेक्निक है, उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीक है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस. आफ्टर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मीनिंग ऑफ वन वे एनोवा, नाउ वी विल proceed to the second part, that is an example. We will discuss by taking a suitable hypothetical example. एक उपयुक्त परिकल्पना पूर्ण उदाहरण लेकर इसकी चर्चा करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एक टाइटल. एक अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता एक शोध कार्य करना चाहता है और उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है comparison of academic performance among the players of five different games. पांच विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के बीच उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें कि शोधकर्ता ने पांच खेलों का चयन किया है. और ये पांच खेल हैं जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग. समझने में आसान रहे तो इसकी यहां कोडिंग की है अनुसंधानकर्ता ने X1, X2, X3, X4 एंड X5. X1 डिनोट्स, X1 प्रदर्शित करता है जूडो को, X2 रेसलिंग को, X3 कबड्डी को, X4 वेटलिफ्टिंग को और X5 पावर लिफ्टिंग को. टू मेजर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ए क्लास टेस्ट वाज कंडक्टेड एंड मार्क्स आर गिवन आउट ऑफ 15. इन पांचों समूहों के जो खिलाड़ी जिनका चयन हुआ है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का मापन किया गया एक क्लास टेस्ट के द्वारा, जिसमें कि आउट ऑफ 15 मार्क्स अवार्ड किए गए और 15 में से 15 में से जितने अंक खिलाड़ी ने अर्जित किए वो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मान लिया गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। एक टोटल 35 सब्जेक्ट्स वर सिलेक्टेड, कुल 35 सब्जेक्ट्स का चयन किया गया। 7 फ्रॉम ईच गेम, प्रत्येक खेल जो कि खेल है जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग, पावरलिफ्टिंग, इन पांचों खेलों के 7-7 खिलाड़ियों का चयन किया गया और उन सब का एकेडमिक परफॉर्मेंस का मापन किया गया। पहले चर्चा हो चुकी है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस का मापन क्लास टेस्ट आयोजित करके किया गया, जिसमें से आउट ऑफ 15 मार्क्स अवार्ड किए गए। टाइटल के बाद, सब्जेक्ट्स के बाद, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि शोधकर्ता का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य की पूर्ति शोधकर्ता करना चाहता था। द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ 5 डिफरेंट गेम्स। अध्ययन का उद्देश्य 5 विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करना है, जो कि अनुसंधानकर्ता ने, जो कि शोधकर्ता ने इस उद्देश्य का निर्धारण किया है। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथेसिस, परिकल्पना की बात करते हैं। इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर शैल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ 5 डिफरेंट गेम्स। अनुसंधानकर्ता ने शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस का निर्माण किया है। यह परिकल्पना की जाती है कि 5 विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। जो कि खिलाड़ी हैं जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई टू एनालाइज डेटा, उस सांख्यिकीय तकनीक की जिसका उपयोग शोधकर्ता ने इस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए किया, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ 5 डिफरेंट गेम्स, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस एनोवा इज यूज्ड। 5 विभिन्न खिलाड़ियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस की तुलना करने के लिए वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस का उपयोग किया गया। यह हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अगेन आई रिपीट, संक्षिप्त में एक बार और बात करते हैं। अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य है 5 विभिन्न खिलाड़ियों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करना उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच, और खेलों का चयन किया है जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग। प्रत्येक खेल से 7-7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जूडो से 7, रेसलिंग से 7, कबड्डी से 7, वेटलिफ्टिंग के 7 और पावर लिफ्टिंग से 7। तो कुल खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो कुल संख्या हुई 35। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, कैलकुलेशन की, गणना की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन। इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेकर हम गणना की चर्चा करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू अप्लाई वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस। हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, दिस इज फ्रॉम 1 to 7, यह 1 से 7 तक है, क्योंकि प्रत्येक खेल में जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग, प्रत्येक खेल में 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पहले चर्चा कर चुके हैं, जूडो के लिए X1, रेसलिंग के लिए X2, कबड्डी के लिए X3, वेटलिफ्टिंग के लिए X4 और पावरलिफ्टिंग के लिए X5। तो 5 खेलों का चयन था। तो X1 प्रदर्शित करता है जूडो को, X2 प्रदर्शित करता है रेसलिंग को, X3 प्रदर्शित करता है कबड्डी को, X4 प्रदर्शित करता है वेटलिफ्टिंग को और X5 प्रदर्शित करता है पावरलिफ्टिंग को। तो कुल 35 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, 35 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के एकेडमिक परफॉर्मेंस का मापन किया गया, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि क्लास टेस्ट आयोजित हुआ था। 15 नंबर का टेस्ट था, 15 मार्क्स का टेस्ट था। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, X1 प्रदर्शित करता है जूडो को, तो पहले जूडो खिलाड़ी के अंक हैं 15 में से 4, दूसरे के 5, तीसरे के 6, इसी तरह से सभी 35 खिलाड़ियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस का मापन क्लास टेस्ट के द्वारा किया गया और स्कोर्स, आंकड़े, वैल्यूज सामने हैं।
कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, गणना की बात करते हैं। इस रो स्कोर के बाद अब समेशन एक्स, यहां एक्स डिनोट्स द स्कोर, एक्स प्रदर्शित करता है आंकड़े को, अंक को, समेशन एक्स। तो हमारे पास कुल 35 एक्स है, तो समेशन एक्स, तो एक्स वन का समेशन 37 है सभी के स्कोर्स का, यदि हम एडिशन करते हैं, जमा करते हैं तो स्कोर आया 37। एक्स टू का समेशन है 55, एक्स थ्री का समेशन है 35, एक्स फोर का जोड़ है 44, एक्स फाइव का जोड़ है 31। इसके बाद स्मॉल एन है, स्मॉल एन मीन्स यहां पर स्मॉल एन का अर्थ है प्रत्येक समूह में खिलाड़ियों की संख्या। तो स्मॉल एन एक्स वन के लिए 7 है, एक्स टू के लिए 7 है, एक्स थ्री के लिए 7 है, एक्स फोर के लिए 7 है और एक्स फाइव के लिए 7 है। यहां पर अब बात करते हैं एम की, एम प्रदर्शित करता है मीन को। तो एक्स वन का मीन है 5.29, एक्स टू का मीन है 7.86, एक्स थ्री का मीन है 5, एक्स फोर का मीन है 6.29, एक्स फाइव का मीन है 4.43। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं समेशन एक्स टी, टी मीन्स टोटल, एक्स मीन्स स्कोर, समेशन एक्स टी। तो जितने भी एक्स हैं उन सब का टोटल स्कोर क्या हुआ, तो एक्स वन का टोटल 37 था, एक्स टू का 55 था, एक्स थ्री का 35 था, एक्स फोर का 44 था, एक्स फाइव का 31 था। इन सभी को, इन पांचों स्कोर्स को, वी हैव एडिड ऑल द फाइव स्कोर्स, 37 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 44 प्लस 31 एंड द समेशन एक्स टी इज 202, समेशन एक्स टी है 202। ये ध्यान रहे पहली बात कि वी हैव कैलकुलेटेड समेशन एक्स टी और समेशन एक्स टी यहां पर है 202। अब बात करते हैं कैपिटल एन की। पहले बात की थी हमने स्मॉल एन की, स्मॉल एन का अर्थ था इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप। तो एक्स वन का स्मॉल एन था 7, इसी तरह सभी पांचों समूहों में जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, पांचों समूहों में स्मॉल एन 7 है। तो कैपिटल एन मीन्स, कैपिटल एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इस मीन्स 7 फॉर फर्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। दूसरी बात हमें ध्यान रहे, द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज कैपिटल एन इज 35। अब बात करते हैं अगली, जैसे पहले बात हो चुकी है मी, एम शोज मीन, एम मीन को प्रदर्शित करता है, एम जी ग्रैंड मीन, टोटल मीन। तो जो टोटल नंबर ऑफ, टोटल एडिशन ऑफ स्कोर था हमारे पास 202 और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास है 35। सो वी डिवाइडेड 202 बाय 35 एंड द ऑब्टेन्ड एम जी मीन्स ग्रैंड मीन, टोटल मीन इज 5.77। ये तीसरी बात। तो कुल मिलाकर ध्यान रहे आगे के लिए, वी हैव कैलकुलेटेड समेशन एक्स टी जो कि 202 है, कैपिटल एन जो कि 35 है, एम जी टोटल मीन जो कि 5.77 है। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में, गणना में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक एक कॉलम और ऐड कर दिया गया है, एक्स वन कॉलम इज सेम एज प्रीवियस, एक्स टू इज सेम, एक्स थ्री इज सेम, एक्स फोर इज सेम, एक्स फाइव इज सेम। यहां पर प्रत्येक कॉलम का एक एडिशनल कॉलम ऐड किया गया है, एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर, एक्स थ्री स्क्वायर, एक्स फोर स्क्वायर एंड एक्स फाइव स्क्वायर। एक्स वन स्क्वायर मीन्स प्रत्येक स्कोर का, एक्स वन के प्रत्येक स्कोर का स्क्वायर। जैसे कि एक्स वन में पहला स्कोर है 4, फोर स्क्वायर इज 16। इसी प्रकार से जो हमारे पास 35 स्कोर्स है उन सब का स्क्वायर लिया और वो स्कोर प्रदर्शित कर दिया गया। अभी तक हमने पिछली स्लाइड में तीन बातें, अब चौथी बात करते हैं समेशन एक्स स्क्वायर की, समेशन एक्स स्क्वायर। तो
जो पहले पहला कॉलम है समेशन वन का स्क्वायर, उसका सम है 203। जो दूसरा कॉलम है समेशन एक्स टू स्क्वायर, उसका सम है, उसका टोटल है 449। जो तीसरा कॉलम है एक्स थ्री स्क्वायर, उसका सम है 179। अगला कॉलम जो कि एक्स फोर स्क्वायर है, उसका सम है 290। लास्ट कॉलम एक्स फाइव स्क्वायर, जिसका सम है 143। तो समेशन एक्स स्क्वायर इन पांचों सम्स को, इन पांचों जोड़ों को ऐड करते हैं, 203 प्लस 449 प्लस 179 प्लस 290 प्लस 143 एंड द ऑब्टेन्ड स्कोर इज, द ऑब्टेन्ड समेशन एक्स स्क्वायर इज 1264, 1264, 1264। ये ध्यान रहे चौथी बात। आगे चलते हैं, अब कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एसएसबी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एसएसबी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स की गणना की बात करेंगे। एसएसबी मींस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। फॉर्मूला इज, गणना आपके सामने है, समेशन एक्स वन स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स टू स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स थ्री स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स फोर स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स फाइव स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स टी स्क्वायर अपॉन एन। सभी वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समेशन एक्स वन स्क्वायर। तो समेशन एक्स वन क्या है, पीछे चलते हैं, यहां पर देखिए समेशन एक्स वन स्क्वायर की बात करते हैं। समेशन एक्स वन क्या है, समेशन एक्स वन इज 37। तो इस समेशन एक्स वन के स्क्वायर में 37 स्क्वायर एंड स्मॉल एन, स्मॉल एन इज 7। इसी प्रकार एक्स टू स्क्वायर है 55 स्क्वायर। इसी प्रकार से पांचों समूहों के समेशन एक्स वन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, समेशन एक्स टू स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, समेशन एक्स थ्री स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, समेशन एक्स फोर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, समेशन एक्स फाइव स्क्वायर अपॉन एन। इन सब की वैल्यूज को हमने रख दिया। इसके बाद माइनस समेशन एक्स टी स्क्वायर अपॉन स्मॉल कैपिटल एन, हियर इज कैपिटल एन। तो समेशन एक्स टी, तो टोटल समेशन एक्स टी को देखते हैं, समेशन एक्स टी क्या है। समेशन एक्स टी, ध्यान दीजिए, समेशन एक्स टी का कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, वो है 202, 202। इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं, 202 स्क्वायर अपॉन 35। इट मींस द ऑब्टेन्ड एसएसबी, ऑब्टेन्ड सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप इज 1216.57 माइनस 1165.83 एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज 50.74। ये हमारी पांचवी वैल्यू निकल कर आई। आगे चलते हैं, वी विल डिस्कस रिमेनिंग अबाउट द रिमेनिंग पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एसएसटी, एसएसटी सम ऑफ स्क्वायर टोटल। अब बात करेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर की। इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। हम जानते हैं समेशन एक्स स्क्वायर, पीछे चलते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर हमारा क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर हमारा था 1264, समेशन 1264। तो इस 1264 को वी प्लेस दिस वैल्यू हियर। अब बात करते हैं समेशन एक्स टी स्क्वायर, तो समेशन एक्स टी को देखने का प्रयास करते हैं। समेशन एक्स टी, समेशन एक्स टी इज 202, तो 202 स्क्वायर और कैपिटल एन, जैसा कि कैपिटल एन की चर्चा पहले कर चुके हैं, कैपिटल एन मींस टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मींस
वी हैव सेलेक्टेड फाइव गेम, जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग, पावरलिफ्टिंग, प्रत्येक में सात सात सब्जेक्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज 35, तो यहां हमने 35 रखा। द ऑब्टेन वैल्यू इज 98.17, तो यहां पर जो गणना हुई 98.17। तो अभी तक जो हमने बात की, बात कर चुके हैं, ये हमारा छठा कैलकुलेशन है। इससे पहले ध्यान दीजिए पांचवें में हमने किया था एसएसबी का और ये छठा है एसएसटी। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एसएसडब्ल्यू, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। अब सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स की, टू कैलकुलेट एसएसडब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स फ्रॉम एसएसटी फ्रॉम टोटल सम ऑफ स्क्वायर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट एसएसबी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। दोनों वैल्यूज एसएसटी की वैल्यू देखते हैं, एसएसटी की वैल्यू, एसएसटी की वैल्यू है 98.17, तो वी प्लेस्ड दिस वैल्यू हेयर, यहां पर हमने ये वैल्यू रखी है। अगला है एसएसबी, एसएसबी को देखते हैं, एसएसबी इज 50.74, इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं 50.74, एंड द ऑब्टेंड एसएसडब्ल्यू ऑब्टेंड सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप इज 47.47। तो पिछले में ये सिक्स्थ कैलकुलेशन थी, अब ये हमारे ध्यान रहे दिस इज द सेवंथ पार्ट। अब बात करते हैं एनोवा टेबल की, वी विल डिस्कस अबाउट एनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, क्योंकि इस टेबल की आवश्यकता, इस तालिका की आवश्यकता कंक्लूजन के लिए हमें चाहिए, एफ रेशो कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। इस तालिका को पांच विभिन्न कॉलम्स में डिवाइड किया है, पहला पांच विभिन्न कॉलम है इसमें, द फर्स्ट कॉलम इज सोर्स ऑफ वेरियंस, दूसरा सम ऑफ स्क्वायर दैट इज एस एस, तीसरा डीएफ, चौथा मीन स्क्वायर, पांचवा एफ रेशो। तो पहले कॉलम की बात करते हैं, सोर्स ऑफ वेरियंस हमारे पास है बिटवीन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स एंड टोटल। अब कैलकुलेशंस की बात करते हैं कि हाउ टू प्लेस दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को कैसे प्लेस करता है, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। अब बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स एसएसबी, तो हम पहले जान गणना कर चुके हैं कि हमारी गणना में इन आवर कैलकुलेशन एसएसबी इज 50.74। अगला है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स मींस एसएसडब्ल्यू, और हमारे एग्जांपल में एसएसडब्ल्यू है 47.43, देख लीजिए 47.43 एसएसडब्ल्यू है और एसएसबी है 50.74, सी एसएसबी है 50.74। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वी विल डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स के सामने जो है दैट इज सी माइनस वन, सी माइनस वन मीन्स कॉलम माइनस वन, हमारे एग्जाम्पल में पांच कॉलम है, पांच कॉलम मीन्स फाइव डिफरेंट गेम, जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, फाइव माइनस वन, द ऑब्टेंड डीएफ फॉर बिटवीन ग्रुप इज 4। फॉर विद इन ग्रुप्स दैट इज ऑल्सो नोन एज एरर डीएफ, तो विद इन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला इज एन माइनस सी, कैपिटल एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स माइनस सी कॉलम्स। तो हमारे इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में कॉलम पांच है, तो पांच को माइनस करेंगे, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 35 माइनस सी एंड द ऑप्टेन वैल्यू इज 30। अब बात करते हैं अगले कॉलम की, चौथे कॉलम की, मीन स्क्वायर की, हाउ टू कैलकुलेट मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स दैट इज 50.74 डिवाइड बाय डीएफ, इट मीन्स
50.74 divided by df of the same, that is 4. The obtained value is 12.69. Next one is mean square for within groups, that is sum of square within group, that is 47.43 divided by the degree of freedom of the same divided by 30. The obtained value is 1.58. Now the last part, last column, F ratio. In the same manner in T test we have calculated D ratio, in the same manner in F ratio, in one way ANOVA we are going to calculate F ratio, F value. F value is mean square between groups, that is 12.69, divided by mean square within group, that is 1.58. It means we have to divide 12.69 by 1.58, the obtained value is 8.03. ध्यान रहे कैलकुलेशन में जो हमारी ऑब्टेन्ड एफ रेशियो है, जो हमें प्राप्त हुई है वो है 8.03. आगे चलते नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पार्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष की, निष्कर्ष कैसे निकाला जाए. हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन. हमारी कैलकुलेटेड एफ वैल्यू जो कि तीसरे भाग का अंतिम चरण में जो हमने प्राप्त की वह थी 8.03 और टेबुलेटेड एफ वैल्यू जो कि हमें टेबल से प्राप्त हुई वो है 2.69 ऑन 430 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ध्यान दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, पीछे चलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 430. तो हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 430 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ये 2.69 हमने कैसे प्राप्त की इसकी, इसको देखते हैं. ये आपके सामने टेबल है. पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम है 4, दूसरा है 30. तो यह है 4, यह है 30 और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05, जो कि हम सोशल साइंस या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स रिसर्चेज में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर प्रत्येक अध्ययन को आयोजित करते हैं. तो इस पर जो हमारे पास वैल्यू है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 4 एंड 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2.69. तो इस प्रकार से टेबल से यह गणना हमें करनी है. अब चलते हैं कि हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजंस. तो हमारे पास दो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 8.03 है, टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 2.69 है. निष्कर्ष वही रहेगा जैसा कि हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण में लिया था, जैसा हमने डिपेंडेंट टी टेस्ट में लिया था, आश्रित टी परीक्षण में लिया था, जैसा हमने वन सैंपल टी टेस्ट में लिया था, एक न्यायदर्श टी परीक्षण में लिया था. निष्कर्ष लेने का तरीका, प्रक्रिया वही है. इफ द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, यदि जो गणना की गई एफ वैल्यू अधिक है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज देयर, वास्तविक अंतर है. इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लोअर देन टेबुलेटेड टी वैल्यू, यदि जो हमने गणना की गई है, हमारे इस उदाहरण में 8.03 है, यदि यह कम है तो उस दशा में देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स, तो विभिन्न समूह के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है. इसलिए इस हमारे एग्जाम्पल में सिंस कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड एफ वैल्यू, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज फाउंड अमंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ 5 डिफरेंट गेम्स, क्योंकि हमारे इस काल्पनिक उदाहरण में, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में, परिकल्पना पूर्ण उदाहरण में कैलकुलेटेड वैल्यू 8.03 अधिक है टेबुलेटेड वैल्यू जो कि 2.69 है. इसलिए निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट अमंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ 5 डिफरेंट गेम प्लेयर्स, जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू 8.03 अधिक है टेबुलेटेड वैल्यू 2.69 से. तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 5 विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच सार्थक अंतर पाया गया. इसका अर्थ हुआ कि खेलों में सहभागिता भी, विभिन्न खेलों में सहभागिता भी
हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, खेल का प्रभाव भी पड़ता है। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, हमने विस्तार से चर्चा की है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यदि आपके पास कोई प्रश्न है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी टाइम इन गूगल क्लासरूम एज वेल एज इन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।